रूब्रिक्स हैं ऑब्सीन, लुइड, लिबर्टिनिज्म, डेलीरियम, क्राइंग, हेल फॉर, ब्लास्फेमी, एब्यूजिव, इंसल्टिंग, रेज रिन्यूड बाय टच। अब उदाहरण लेते, जैसे कोई पुत्र है, बेटा, लड़का, जिसके पिता का अच्छा कारोबार है, वो उस कारोबार का मालिक या मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, कोई ऊंची पोस्ट वाला जिसमें जिससे उसके अधिकार आ जाए, वो बनना चाहता है, मतलब कि उस कारोबार को हथियाना चाहता है। तो ये क्या हुआ, ये पर उसका ये अधिकार तो है नहीं, तो ये है उसकी ऑब्सीनिटी, अभद्रता, या सेक्स ड्राइव है, या चमचमाती चीजों पाने की लालसा भी है, जबकि उसके पिता के अनुसार उसमें उस व्यापार को चलाने की कोई काबिलियत ही नहीं है, तो फिर पिता क्यों देगा इसको, और ना ही वह अपने पिता के कहे अनुसार चलना चाहता है, और ना ही सीखने का कुछ प्रयास करना चाहता है, बस उनके बने बनाए कारोबार को पाना, या कहें तो हथियाना चाहता है। ये होती है कैंथरिस की एमोरसनेस, इरोटिक ऑब्सेनिटी, ये सेक्स ड्राइव्स, ये है। सेक्स में होता है ना कि भाई मुझे ये लड़की मिल जाए, या जो भी है, मतलब किसी तरह से मैं कर लूं, एक तड़प होती है, बेचैनी होती है जो रुक नहीं पा रही, और उसमें उसे लगता है मजा भी बड़ा आएगा, तो यही है। तो ये ड्राइव जो है कारोबार, उसको दिख रहा है ना, अगर ये मिल गया तो मजे ही मजे। तो दोनों की भावनाओं को समझे, इसलिए वो इरोटिक उरोटिक वाले रूब्रिक नहीं आएंगे, उनको सूक्ष्म सत्ता में समझना होगा। आगे और पढ़ते हैं। एक मशहूर लेखक के अनुसार तनाव को कम करने का उसके पास बस एक ही तरीका है, संभोग करना। मतलब कैंथरिस तनाव को कम करने के लिए संभोग करता है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसका मेटाफोरिकल अर्थ हुआ कि उसकी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का एक संकेत मात्र भी मिल जाता है कि इच्छित वस्तु उसको मिलने ही वाली है, तो भी इसका तनाव, बेचैनी कुछ कम हो जाती है। तो कैसे ग्रॉस रूप में लोगों ने लिखा है और उसको हम सूक्ष्म रूप में कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब व्याख्या अलग है। कैंथरिस की या किसी भी दवाई की प्रकृति तो सेम है जो लेखकों ने लिखी है, तो ये सिर्फ मैंने उसको सूक्ष्म रूप तक विस्तार दिया है। इंसैनिटी के केस में डॉक्टर कैंट के अनुसार उसके दिमाग में विचारों का एक बवंडर चलता है जो कि किसी भी प्रकार से उसके नियंत्रण में नहीं होता है, उन विचारों से वह तंग हो जाता है, उनसे छुटकारा चाहता है। इसके रूब्रिक हैं Thoughts intrude and crowd around each other, thoughts for tormenting. तो कैंट की इसी बात का ऊपर मैंने एक केस होमपैथ वाला आपको बताया है। तो इस अवस्था में उसको लगता है कि जैसे तो किसी बाह्य शक्ति, भूत, प्रेत, जादू टोना आदि ने उसको पकड़ रखा है, delusion possessed is, वह बाह्य शक्ति ही उसको तरह तरह के विचार दे रही है, उसको तरह तरह की हरकतें करने के लिए मजबूर कर रही है। इससे तो उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको समझ नहीं आता, दिमाग खराब होने लगता है। इसलिए ऐसी स्थिति पर तो हम रोगी को कैंथरिस दे नहीं सकते, बल्कि ऐसी अवस्था में कैंथरिस तभी सही दवाई होगी जबकि रोगी अपनी स्थिति से अति परेशान हो रहा होगा और किसी भी हालत में इससे छुटकारा पाने के लिए तड़प रहा होगा। डेलीरियम, क्राइंग, हेल्प फॉर। डॉक्टर कैंट द्वारा वर्णित उपरोक्त स्थिति का सूक्ष्म भाव देखें तो निष्कर्ष निकलता है कि कैंथरिस व्यक्ति दूसरों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना चाहता, डेफियंट, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता, किसी का सम्मान नहीं करना चाहता। रूब्रिक है इंसोलेंट, ब्लास्फेमी, अब्यूजिंग। परंतु इन वर्तमान हालातों में उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि उसके बस का नहीं है और तड़प ज्यादा है उससे छुटकारा पाने की, तो मजबूर है। तो ये रूब्रिक है डेल्यूजन पोजेसिंग। तो इनसे वो मुक्त होना चाहता है परंतु उसमें इन शक्तियों या परिस्थितियों से स्वयं के दम पर मुक्त वो नहीं हो सकता,
इसलिए वह बलपूर्वक दूसरों से मदद मांगने की गुहार लगा रहा होता है। इसका मतलब यह है कि कैंथेरिस आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा होता, चिल्ला रहा था कि करो, यानी उसकी चीख में आपका सम्मान सम्मिलित नहीं है। आपसे मदद चाह रहा है पर सम्मान आपको नहीं देना चाहता। वो आपने जरा भी उस पर कुछ बीच में टॉन्ट किया तो तुरंत आपका सारी इज्जत उतार के वो रख देगा, फिर भी आपसे मदद मांगेगा बाद में। वो तो मतलब रौब से मदद मांगना चाहता है। रौब का मतलब वो प्लेटिना वाला रौब नहीं, मतलब जैसे सड़क पे चलता हुआ भिखारी है, वो आपसे 10 रुपए तो मांगता है पर वो कहता है अगर आप उसको 5 रुपए देते तो अबे रख ले तू अपने पास ही रख ले, लेकिन मैं ही देता हूँ तेरे को 5 रुपए और 20 रुपए मेरे से ले ले तू, आया बड़ा गाड़ी में बैठने वाला। तो वो चाहता भी यार बदतमीजी, इस किस्म का कैंथेरिस होता है। तो उसके लिए ये जो स्थिति आ गई ये इमरजेंसी है। तो ये इमरजेंसी किसी भी प्रकार की अनुभूति के कारण हो सकती है, जैसे कि दर्द या किसी भी प्रकार की परेशानी बहुत तीव्र और उग्र हो, या कोई ऐसी अवस्था हो सकती है जिसमें वह स्वयं कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब कि हालात ने उसके क्रियाकलापों पर रोक लगा रखी है, डिल्यूजन सीज ही इज, या वह स्वयं परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर हो रहा है, बाध्य हो रहा है। तो उसकी स्वयं की इच्छा अनुसार वो कार्य नहीं कर पा रहा है, डिल्यूजन पजेस्ड इज। तो इस प्रकार की स्थितियां कैंथेरिस के लिए असहनीय होती हैं, वह तुरंत इनसे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि कैंथेरिस स्वयं को दबंग माने कि जिसको किसी भी शक्ति के द्वारा दबाया ना जा सके, डाफियंट डिसोबीडियंस से मिलके बनता है। तो समझता है अगर दबंग व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या शक्ति के अधीन रहना पड़ जाए, उसके दबाव में आ जाए, मतलब कि किसी मजबूरीवश कोई काम करना पड़ जाए या उसको उसकी इच्छा के अनुसार ना काम करने दिया जाए, तो यह स्थिति कैंथेरिस के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होती है, एगोनाइजिंग होती है। तो ये दबाव हालात का, बीमारी का या परिस्थिति आदि का कुछ भी हो सकता है। अब लेखकों द्वारा दिए गए अन्य कुछ महत्वपूर्ण लक्षण मैं यहां लिख रहा हूं, इन सभी का सूक्ष्म अर्थ ऊपर दिए गए विवरण से मिलता है, ऐसे नहीं कि अभी इनको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। द पेन इज जनरली अकंपनीड बाय ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इरिटेबिलिटी, मतलब हुआ कि प्रायः दर्द के साथ उत्तेजना और चिड़चिड़ापन अवश्य ही पाया जाता है। एक और एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन इज एक्सट्रीमली सिकली एंड मिजरेबल, शोइंग फियर टेरर एंड डेस्पेयर, मतलब कैंथेरिस के चेहरे के हाव भाव से वो बहुत ही बीमार और दुखी प्रतीत होता है, उसके चेहरे पर भय और निराशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यही सब ऊपर मैंने बताने की कोशिश की है, ऐसा आपको कहीं भी दिखेगा नहीं, देखना सूक्ष्मता में यह हमेशा। एक और विवरण है, इफ ए लिटिल बॉय फ्रिक्वेंटली पुल एट देयर पेनिस, दिस इज ए की नोट ऑफ कैंथेरिस, ये ज्यादातर लेखकों ने लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले मैं हिंदी समझाता हूं। छोटा लड़का जब बार बार अपने लिंग को खींचता रहता है तो यह कैंथेरिस का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अब मेरी विचारधारा से यह सही नहीं है, तो हमें उसको लिंग के खींचने की वजह को जानना होगा, वो क्यों खींच रहा है। अगर उसको लिंग में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, वह बहुत बेचैन और चिड़चिड़ा नहीं है, तो उसको कैंथेरिस से कभी भी लाभ नहीं होगा, कैंथेरिस उसकी दवाई नहीं है। तो ये तो पूरा विवरण गलत कर दिया, इससे तो आपके कितने केस खराब हो जाएंगे। पर इसकी सूक्ष्मता को समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं। एक और रूब्रिक दिया हुआ इन्होंने एक्सप्लेनेशन लेखकों ने, मोस्ट कंप्लेंट ऑफ दिस रेमेडी, मतलब कैंथेरिस, फीवर हीट और चिल हैव ए सडन एंड वायलेंट ऑनसेट एंड डेवलप रैपिडली, यही तो सारा ऊपर मैंने समझा है, अचानक होगी, बहुत तेजी होगी और बहुत खराबी की तरफ जल्दी से बढ़ेगी। तो मतलब इन किताबों को लिखते समय तोड़ मड़ो के अलग अलग भाषाओं में एक ही चीज को बोलना, ये सारा कंफ्यूजन इसने पैदा किया है।
मतलब ये जो ऊपर इंग्लिश में बताया मैं उसको हिंदी कर लेता हूं उसकी। इस औषधि की ज्यादातर समस्याएं जैसे बुखार, सर्दी और ठंड आदि अचानक से ही शुरू होती हैं और बहुत ही तीव्र गति से खराबी की तरफ बढ़ती है। तो इस औषधि के विवरण में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि होम्योपैथी का थेरेप्यूटिक किस प्रकार से विकसित होता है। जैसे इस औषधि को जलने की अचूक दवाई मानी जाती है, ऐसा क्यों? हमेशा सवाल करने चाहिए ना हमारे को, आखिर क्यों है ऐसा? डॉक्टर फेरिंगटन के अनुसार, अब जो मैं कर रहा हूं ये पहले हमने लिखा हुआ, ये जब कैंथरिस के शरीर के किसी भी भाग पर लगाया जाता है तो यह उस भाग में भयानक किस्म का प्रदाह वायलेंट इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। इसकी शुरुआत त्वचा की लाली से होती है, ठीक इसके समान ही अनुभूति किसी गर्म वस्तु के शरीर पर छू जाने के कारण भी होती है। तो इसी कारण से जलने की अचूक दवाई माने जाने लगी है, यानी सिम्टम मैच हुआ तब मानी गई है, सिम्टम नहीं तो फिर काम नहीं करेगी। बहुत जल्दी ही शब्द इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब जल जाता है तो उसमें छाले पड़ जाते हैं, उनमें मवाद पड़ जाती है, धीरे धीरे अंग की मृत्यु हो जाती है। मतलब जलन खत्म होते ही, मतलब अगर चाहे रोगी को कुछ भी हो, चाहे कितने भी जला हुआ, अगर जलन की अनुभूति नहीं हो रही है तो फिर कैंथरिस बिल्कुल काम नहीं करेगी, चाहे कितनी बार दो, कितनी पोटेंसी में दो। जलन खत्म होते ही कैंथरिस का काम खत्म हो जाता है, अर्थात दवाई की प्रूविंग के समय उत्पन्न लक्षणों के आधार पर ही थेरेप्यूटिक बनता है। यानी कुछ अच्छे लोगों ने बनाया ये, परंतु काम गलत कर दिया है। परंतु अगर किसी औषधि पर किसी विशेष गुण का लेवल लग जाए तो होम्योपैथ सभी लक्षणों की तरफ ध्यान न देकर केवल उसी एक बीमारी में प्रयोग करते रहते हैं दवाई को। इस प्रकार अनेकों वांछित परिणाम फिर उनको मिलते नहीं है, फिर कहते हैं होम्योपैथी स्लो है या काम नहीं करती या डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी साइंस है, अच्छे से काम करती है, पर थोड़ा समझ आनी चाहिए। जैसे होम्योपैथ जले के हर केस में कैंथरिस का प्रयोग करते हैं, अभी रिपर्टरी में भी बहुत सारे रूब्रिक हैं, वो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। अभी रिपर्टरी में दिए गए इस औषधि के कुछ विशिष्ट लक्षणों का हम अध्ययन करते हैं। डेल्यूजन चोक्ड, आईसी कोल्ड हैंड बाई, डेल्यूजन थ्रोट, समवन विद आईसी कोल्ड हैंड टूक हर बाई, मतलब उसका किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने दम घोट दिया है। दूसरे रूब्रिक का मतलब हुआ किसी ने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उसका गला पकड़ दिया है। अब इसको समझते हैं इनका मतलब क्या है, क्योंकि बर्फ जैसे ठंडे हाथ तो किसी इंसान के होते नहीं है, फिर किसके होते है? ऐसा तो है नहीं कि सर्दी के मौसम की ये बातें कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं है ये, इसका कुछ अलग सूक्ष्म मतलब है। सामान्यतः व्यक्ति के हाथ गर्म होते हैं, बर्फ जैसे ठंडे हाथ मुर्दे के माने जाते हैं, भावनाहीन व्यक्ति के माने जाते हैं, मतलब इमोशनलेस, अर्थात उसमें दया की भावना बिल्कुल नहीं होती है। जब किसी में प्यार और दया की भावना होती है तो उसको गर्म जोशी कहा जाता है। अब इस रूब्रिक में जो दिया गया है उसका मतलब गला पकड़ लेना या दम घोट लेना, इसका क्या मतलब है कि आपके जीवन मरण का प्रश्न आपके सामने आ गया। तो इस भावना का सूक्ष्म अर्थ हुआ, यानी दोनों रूब्रिकों का सूक्ष्म अर्थ हुआ कि व्यक्ति के सामने अति कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, यानी जन्म मरण से ज्यादा कठिन परिस्थिति और कौन सी होगी, जो कष्टकारी है और उससे तुरंत छुटकारा पाना अति आवश्यक है। तो यही सारी चीजें ऊपर मैंने बताई, वो रूब्रिक देखने में बिल्कुल अलग थे, ये वाला देखने में बिल्कुल अलग है, पर दोनों का मतलब तो एक ही है। जितने भी रूब्रिक हमने पढ़े हैं 100, 150, 200, सब का मतलब एक ही है, सिर्फ शब्द अलग है। तो ये जो जन्म मरण की स्थिति हो गई है तो इससे जाहिर बात है बंदा एकदम छुटकारा पाना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो खत्म ही बंदा हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या। पर वह इस कठोर स्थिति से स्वयं को अपने बल पर मुक्त नहीं कर पा रहा है, इसी कारण वह दूसरों की मदद के लिए फिर पुकारेगा। क्यों नहीं कर पा रहा, आईसी कोल्ड हैंड माने एक पावरफुल बंदा जिसमें कोई दया भावना नहीं है, उसका गला दबा रहा है, यानी उसको गला दबा के तो मार ही देगा, तो ये तो इमरजेंसी हुई। तो वही बार बार मैं कह रहा हूं कि इमरजेंसी की स्थिति में जहां
एमरजेंसी से ज्यादा अर्जेंसी की बात हुई और बंदा उसके लिए तड़फ रहा है कि बस छुटकारा दिलाओ। अतः यह भावना अन्य रूब्रिकों द्वारा वर्णित भावना के समान ही है। रिपोर्ट में वर्णित एक और रूब्रिक है डेस्पोंडेंसी सेइंग दैट सी मस्ट डाई, ये रूब्रिक है। मतलब इतनी भयानक अधिक निराशा आ चुकी है कि मन खिन्न हो चुका है कि और अधिक प्रयास करने का कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि अब सफलता उसके अपने प्रयासों द्वारा नहीं मिलेगी। परंतु ये सफलता, मतलब कोई भी निर्धारित लक्ष्य, चाहे बीमारी से छुटकारा पाना हो, चाहे नौकरी पाना हो, या कुछ और यश पाना हो, कुछ भी करना हो, परंतु ये सफलता पाने के लिए आतुर है, जैसे उसको बहुत तीव्र परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा पाने का निरंतर प्रयास करे चला जा रहा है। हर बार प्रयास करने पर असफलताओं के कारण इसका मन बहुत बुरी तरह से खिन्न होता जाता है, हिम्मत टूटती जाती है कि और प्रयास करने का साहस नहीं रहता है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे दर्द बहुत तेज है, बहुत जल्दी जल्दी तरह तरह की दवाइयों का वो प्रयोग कर रहा है कि भाई जल्दी इस दवाई से छुटकारा, उस दवाई से छुटकारा, परंतु दर्द किसी भी प्रकार से कम ही नहीं हो रहा। इसी कारण से उसकी फिर चिड़चिड़ाहट आती है, गुस्सा आता है, और जैसे जैसे होता है तो निराशा बढ़ती है, कोई फायदा नहीं है। और इसकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब किसी प्रकार से भी यह दवा दर्द ठीक नहीं होगा, हालात इससे तो मर जाना बेहतर है, जिससे इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। यानी मर जाना बेहतर का मतलब है कि दर्द मर जाएगा तो दर्द ही नहीं होगा, तो कितना बेचैन है छुटकारा पाने के लिए। यही एक मूल भावना है जो अलग अलग जगह शब्दों के द्वारा मैं अलग अलग क्षेत्र में बता रहा हूं आपको। मतलब कोई भी रूब्रिक इसका उठा लो, सूक्ष्म भावना सेम आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये इतने सारा, इतना जो बड़ा मैट्रोमेडिका बना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा जरूरत है, क्योंकि अलग अलग तरीके से एक ही बात को कहने से थोड़ा लोग समझने में उनको सुविधा हो जाती है। तो पर ये लगता है कि यार इतने सारे लक्षण के अंदर इसके, ऐसा नहीं है, लक्षण तो एक दो ही है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये निराशाजनक स्थिति किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र आवश्यकता है, परंतु हर तरह के प्रयासों के बावजूद भी वह इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा। तो यहां भी अर्जेंसी, उदाहरण लेते हैं, एक युवक जिसको संभोग के दौरान बहुत ही कम मात्रा में वीर्य निकलता है, जिसके कारण उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो पा रही है। अब इस कमी से छुटकारा पाने के लिए वो हर उपलब्ध उपाय कर चुका है या कर रहा है, परंतु कहीं से भी कोई लाभ नहीं हो रहा, यानी उसका सीमेन की क्वांटिटी बढ़ नहीं पा रही है। तो घर में इससे झगड़ा बढ़ रहा है, तो इस पर दबाव है कि इसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के सीमेन से कृत्रिम गर्भधारण कर ले। तो इसका मतलब वो बच्चा तो इसका नहीं रहा, वो तो पत्नी का और दूसरे आदमी के जिसका सीमेन लिया उसका रहा, तो ये तो बिना मतलब का बाप कहलाएगा। परंतु इसको ये बात स्वीकार्य नहीं है कि वह किसी दूसरे के बच्चे का पिता कहलवाए, तो जाहिर बात है इसके दिल में एक पीड़ा तो होगी ना, बहुत जबरदस्त। यह स्थिति इसके लिए बहुत कष्टकारी है, जिससे ये तुरंत छुटकारा पाने की आवश्यकता है, यानी ये चाह रहा है किसी भी तरह से मेरा वीर्य बढ़ जाए और मैं पत्नी को प्रेग्नेंट कर दूं, ताकि मुझे इस जो दूसरे के पास मेरी पत्नी ले जाई जा रही है उससे बच जाऊं, वो पीड़ा दाय। तो ये सेम कंडीशंस है, लेकिन ना तो ये पिता बन पा रहा है और ना ही परिवार के दबाव को झेल पा रहा है। तो ये तो इमरजेंसी हो गई ना, वो तो कभी भी ले जाएंगे पत्नी को पकड़ के, इससे तो पूछेंगे भी नहीं। तो इसलिए इसकी बेचैनी को आप समझिए, इसके लिए मानसिक स्थिति बहुत कष्टकारी है, एंग्विश्ड। इसका परिवार कभी भी इसकी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाकर गर्भवती करा सकता है। बहुत ज्यादा प्रेशर है इस इंसान के ऊपर कि भाई तेरे से तो बस का है नहीं, तो फिर वहां से कराते हैं, तेरा इलाज कुछ होने का, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो अब कब तक पत्नी बैठी रहेगी, और आगे संभावना भी कोई नहीं है। तो अब इस पीड़ादायक स्थिति में ये पत्नी और परिवार से झगड़ा करता है, परंतु इसको ये बात भी मालूम है
कि कमी तो इसके अपने अंदर है, तो परिवार से जोर से बात नहीं कर सकता। उनका उनकी बात तो सही है परिवार की, इसलिए यह उन पर हावी नहीं हो पाता है, यानी निराश होगा। फिर जब हावी नहीं होगा तो निराश होगा कि भाई मैं क्या करूंगी, तो ले जाएंगे। तो निराशा, डेस्पेयर, डेस्पोंडेंसी, सैडनेस, डिस्करेजमेंट, चिड़चिड़ाहट मतलब इरिटेबिलिटी, गुस्सा, एंगर, सभी कुछ इसका बढ़ता जा रहा है। परंतु धीरे धीरे इसमें झगड़ा करने की शक्ति भी घटती जा रही है, क्योंकि कब तक झगड़ा करेगा घर वालों से, कमी तो खुद में है। किस दलील पे घर वालों को रोकेगा कि मेरी पत्नी को प्रेग्नेंट ना करवाओ, जबकि वो खुद भी होना चाहती है, बच्चा तो चाहिए ना घर में। तो जैसे तो समझिए कि वो अपने जीवन को नष्ट होते हुए देखने के अलावा कोई चारा उसके पास नहीं है। यानी जीवन नष्ट होने का क्या मतलब हुआ इसमें, कि भाई वो पत्नी का जो बच्चा होगा किसी दूसरे के सीमेन से, उसका बाप ये कहलवाएगा और उसको पालेगा पोसेगा, जबकि वो उसको बच्चा मान नहीं रहा। तो समझ आ गया कितना भयानक जीवन होगा, मतलब इसके अपने अनुसार। बाकी दूसरे लोग तो ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसकी पीड़ा की तीव्रता की तुलना, एनालॉजी, आप भाप, अग्नि या तेजाब आदि से जलने से होने वाली तीव्र पीड़ा और उससे छुटकारा पाने की छटपटाहट से कर सकते हैं। इतना ही बेचैन वो जला हुआ व्यक्ति करता है जितना बेचैन ये है। तड़फ दोनों में समान है एनालॉजी के कारण। तो अब हम दिए गए कैंथेरिस के कुछ रूबरिकों का सूक्ष्म विश्लेषण कर औषधि की मूल भावना को समझने का प्रयास करेंगे। मैट्रिया मेडिका में भी कैंथेरिस का महत्वपूर्ण लक्षण सेक्स की अति तीव्र इच्छा ही दिया गया है। इस संबंधित कुछ रूबरिक रिपर्टरी में भी दिए गए, वो बताता हूं मैं। एमेटिवनेस, एमोरस, डेलीरियम इरोटिक, इंसैनिटी इरोटिक, मेनिया इरोटिक, ऑब्सीन लुइड, ऑब्सीन सॉन्ग्स, सेटीरियासिस, शेमलेसनेस, वाइल्डनेस, निम्फोमैनिया, सब सेक्स से जुड़े रूबरिक है। तो एमेटिवनेस एंड एमोरस, ये ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति सेक्स के वशीभूत विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित हुआ जाता है। जैसे कहना चाहिए कि किसी इच्छित वस्तु को पाने के लिए वो लाल टपका रहा होगा। जैसे कुछ लोग जो छोटे किस्म के लोग होते हैं वो सड़क के किनारे खड़े जाते हैं, आते जाते जो भी सड़क पे जा रही है उनको, सुंदर लड़कियों को देख देख के वो मन ही मन तड़फ रहे होते हैं कि यार कितनी अच्छी लड़की है, ये है, ये मिल जाए तो अच्छा है, पर वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो ये कैंथेरिस की ऐसी स्थिति होती है। ये सेलेनियम और एसिड वॉश नहीं है जो ज्यादातर लोग होम पे देते हैं ऐसे लोगों को। दूसरे समूह के रूबरिक हैं डेल्यूजन, शाइनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फियर ऑफ मिरर इन द रूम, मतलब चमकदार चीजों के प्रति आकर्षित होता है। और ये चमकदार चीजें हैं क्या, ये सवाल है। मिरर देख के कोई मिरर ही, मतलब ये चमकदार चीज मिरर नहीं है, ये कुछ और चीज है। जैसे कहते हैं ये चमकदार चीजें कोई ऊंचा पद, प्रसिद्धि आदि, जैसे फिल्मी कलाकारों को, जो हमारे फिल्मी कलाकार होते हैं उनके स्टार्स कहा जाता है, सितारे जो आसमान में चमकते हैं। हालांकि हैं तो इंसान, जमीन पे रह रहे हैं तो सितारे तो वो नहीं है, पर उनका जो मशहूरियत है उसका तुलना सितारों से की जाती है। तो इसका मतलब है कि चमकदार वस्तु जो है वो केवल मिरर नहीं है जो सबको दूर से दिखे और सबसे ऊपर हो, मतलब गुणों में। तो इन उच्च चीजों, ये सब भौतिक चीजें होती हैं, अर्थात कैंथेरिस भोग विलास की तरफ आकर्षित होता है, यानी ये मेटेरियलिस्टिक बंदा है, इसके अंदर इमोशन वोशन से कोई लेना देना नहीं है, सूक्ष्मता इसमें नहीं होती है, सूक्ष्म भावनाएं नहीं होती है, सूक्ष्म इमोशन नहीं होता है। लड़की मिली, धड़ाधड़ सेक्स करो, मजे लो और उसे हटाओ, ये कैंथेरिस की प्रवृत्ति होती है। यानी लड़की का मतलब कोई भी चीज मिले उसे तुरंत किसी भी हुक कैन को उसको हासिल करो, उपयोग करो, बस कोई भावना शावना नहीं होती उसमें। अब ये जो आकर्षण है ये ऐसी किसी भी चीज में हो सकती है जिसके बारे में सोचता है कि ये चीज मिल जाए तो मजा आ जाए, तो सुखी हो जाऊंगा, मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसको चमकती चीज कह रहे हैं। इन चीजों के पाने के लिए हर प्रकार की गिरी से गिरी, नीच से नीच हरकत करने के लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि इसमें तो कोई भी ऐसी
इमोशन है नहीं, सूक्ष्म इमोशन तो है नहीं, ना मॉरल है, कुछ नहीं है। ये कभी भी कोई भी शालीन तरीका नहीं अपनाता है, शालीन माने सभ्य तरीका, सॉबर तरीका, क्योंकि इसमें महत्वाकांक्षा एम्बिशंस नहीं होती हैं, बल्कि अपनी मनपसंद चीजें यानी कि भौतिक सुख पाने की ललक होती है। बस ये है इसका, ये ललक ही इसको सेक्स की तरफ भी आकर्षित करती है। तो कैंथरिस किसकी तरफ आकर्षित होगा? जिसमें उसको मजा आए, जैसे सेक्स में नाम हो जाए, पैसा आ जाए, इस किस्म की कुछ उसका रॉब बन जाए, कुछ भी हो जाए। तो जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, अभी सारे रूबरिक ऊपर दिए हुए सेक्स से संबंधित, पर अगर हमारे पास कोई छोटा बच्चा है तो उसमें तो सेक्स का ज्ञान होता नहीं है, तो फिर क्या उसमें हम कैंथरिस नहीं दे सकते? तो आप कहां दोगे? कहीं नहीं दोगे। तो इसका मतलब है औषधि का दायरा सीमित कर दिया आपने, तो इसलिए आयुर्वेद को बढ़ाना है। लेकिन पुस्तकों में दिए गए विवरण के आधार पर तो हम कैंथरिस छोटे बच्चों में दे ही नहीं सकते हैं, तो यही तो ड्रॉबैक है जिसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे रूटीन में जलने के केस में करते हैं, बच्चों में भी तुरंत और दूसरा रूब्रिक है जब बच्चा अपना लिंग पकड़कर हमेशा ही खींचता रहता है, मतलब फिर छोटी लड़कियों में इसको नहीं देंगे क्या? वहां तो लिंग होता नहीं है, या वो फिंगर अंदर घुसेड़ेंगे? मतलब कुछ मतलब होना चाहिए इन रूब्रिकों का जो निकलता नहीं है। तो अगर इसका मतलब है जो लिंग पकड़ने वाली बात है, तो इसका मतलब उस इस जो लड़कियां हैं उनमें तो फिर हम कैंथरी दे नहीं सकते इस किस्म की। अगर उनको पेशाब में तीव्र जलन हो तो कुछ होम्योपैथ अवश्य देंगे, परंतु पेशाब में जलन तो अन्य बहुत सारी औषधियों में होती है, ये तो एक कॉमन लक्षण है, तो इस पे कैसे दोगे कैंथरिस? तो फिर वो कैंथरिस ही क्यों देंगे? सवाल ये भी तो उठता है, कैंथरिस देंगे फिर फेल होंगे, फिर वो बार बार कहेंगे सर कैंथरिस इंडिकेटेड थी, काम नहीं कर रही है। काम इसलिए नहीं कर रही है कि वो जलन एक जर्नल सिम्टम है, उस जलन के साथ और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होने चाहिए जो उस दवाई को आइडेंटिफाई करवाए कि ये ही है। तो ये इस किस्म से दवाइयों का उपयोग करना सही तरीका नहीं है, जो मैं समझा रहा हूं वो तरीका ठीक है। अब मैं अपने पूरे विवरण का निचोड़ समझा, क्योंकि मैंने बहुत बार एक ही बात को दोहराया है, ऐसा लगता है दोहराया नहीं है, बल्कि रिपर्टरी मेट्रो मेडिका में अलग अलग लेखकों ने जो कुछ दिया है अलग अलग रूब्रिकों के रूप में, उसको एनालाइज सूक्ष्मता के लेवल पे करके ये समझाया है कि इन सब विवरणों का मतलब केवल एक है। वो क्या है वो समझते हैं। तो कैंथरिस रोग किसी बहुत ज्यादा परेशान, लगभग तड़फाने वाली स्थिति तक परेशान करने वाली स्थिति में फंस गया है। रूब्रिक है डेल्यूजन इंजरी बीइंग इज एंड डेल्यूजन सीज नहीं इज, और इस स्थिति से तुरंत दूसरों की मदद से छुटकारा चाहता है। डेलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, वो स्वयं कुछ करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है और कुछ करना भी नहीं चाहता है। जैसे कहना चाहिए कि वो एक हराम खोर आदमी है, और इतना ज्यादा बदतमीज है, रूब्रिक दिए इंसोलेंट इम्पर्टिनेंट एंड रूड, इतना ज्यादा बदतमीज है कि जिसमें उससे मदद लेनी है उसके साथ भी वो बदतमीजी करता है। अब्यूजिव इंसल्टिंग बार्किंग डेलीरियम ड्यूरिंग कॉन्टेम्पचुअस ब्लास्फेमी एंड कर्सिंग कर्सिंग स्वेयरिंग डफान डिसओबीडियंस क्वालसम स्कोल्डिंग वाइल्डनेस। तो मतलब उसका भी कहना नहीं मानता जिससे मदद लेना चाहता है, तो उनके साथ भी वो झगड़ा करता है, उनका भी सम्मान नहीं करता, परंतु वो अपना सम्मान पूरा चाहता है, अपना चाहता है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब कोई भी कैंथरिस वाले को पसंद नहीं करेगा, तड़प के बावजूद भी आपकी सहानुभूति उससे नहीं बनेगी। तो इरिटेबिलिटी इंसल्ट फ्रॉम, ये रूब्रिक है इसका। तो किसी भी किस्म की नैतिकता मॉरलिटी कैंथरिस में नहीं होती है, केवल एक ही इच्छा होती है, एक ही तड़प होती है कि अति शीघ्रता से उसको सुखद स्थिति में आप पहुंचा दो, आप पहुंचा दो, वो खुद नहीं करेगा। जैसा कि जलने की स्थिति में शीघ्रता से छुटकारा पाने की चाहत
इसके समान कोई भी स्थिति हो उसमें कैंथेरिस काम करेगी, कोई भी एज ग्रुप हो, मेल हो फीमेल हो। इसका यह संक्षिप्त विवरण है, जबकि रिपर्टरी में दिए गए प्रत्येक रूब्रिक का वर्णन करना चाहिए, परंतु यहां मैं वह विवरण नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जितना भी विवरण मैंने दिया है उसके संदर्भ में भी कैंथेरिस का अन्य सभी रूब्रिकों को आसानी से आप समझ सकते हैं, तो इसलिए ये होमवर्क आप खुद करें। धन्यवाद। अब सहज योग का मैसेज श्री माता जी के द्वारा दिया गया। तांत्रिकों को नष्ट करना एक बड़ी भारी क्रांति है, जिससे सारे संसार का कल्याण होने वाला है। सहज योगियों को चाहिए कि वो बहुत गहन उतरें। हर सहयोगियों के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस क्रांति में ऐसा कार्य करना चाहिए जो एक विशेष रूप धारण किए हो। आपको संगठित होकर कार्य करना है। कभी भी कोई सा भी ग्रुप आपको बनाना नहीं है, सबके साथ एक जैसा मिलना जुलना, सबके सबसे एक साथ प्रेम रखना और एक साथ समझने की कोशिश करना। एक दूसरे को आपको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। आप आपस में भाई बहन नहीं हैं, लेकिन आप मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। ये संदेश श्री माता जी निर्मला देवी ने दिया हुआ है, जो हर इंसान के लिए लागू है। धन्यवाद। Thank you.